महाराष्ट्र में लड़ाई अब ठाकरे बनाम ठाकरे हो चुकी है। अजान के खिलाफ राज ठाकरे की मोर्चाबंदी ने महाराष्ट्र की सियासत को गर्म कर दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। अजान की गूंज पर ऐसा बखेड़ा कि सियासी शोर छा गया। हनुमान चालीसा वाला विरोध शहर शहर में छा गया। अब इस शोर पर ऐसी लड़ाई छिड़ी है कि बात हिंदू मुसलमान पर आ बनी है। राज ठाकरे पीछे हटने को तैयार नहीं, शिवसेना से जबरदस्त तनातनी है। लाउड स्पीकर पर अजान के विरोध में राज ठाकरे अब सीधे मैदान में उतर आए हैं, जो हिंदुत्व के नारे के जरिए शिवसेना को नई चुनौती देते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि राज ठाकरे के अभियान को अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने फिर आगे बढ़ाया। इस पार्ट ने मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर पर ताप बढ़ा दिया। नवनीत राणा ने मातोश्री पर हनुमान चालीसा के पाठ की चेतावनी दी। शिव सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की बात कही। मुर्दाबाद लगाने से अच्छा चार कदम मातोश्री के अंदर जाइए और अपने मुख्यमंत्री को याद दिलाइए, जिस विचारधारा से आज तक वो राजकारण की रोटियां खा रहे हैं, उस राजकारण को याद करते हुए मातोश्री में आज जर हनुमान चालीसा किया तो मुझे लगता है तो पूरे महाराष्ट्र में और देश में जो ब्रह्म है कि शिव सैनिक अपने मार्ग से भटक गए, अपने जो विचार थी वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे छोड़ दिए और महाआघाड़ी के विचारों पे चल रहे हैं। सिर्फ एक डर, अपनी कुर्सी का डर। हनुमान की भक्ति के जरिए राजनीति में नई शक्ति तलाशते राज ठाकरे के खिलाफ ये शिव सैनिकों का मोर्चा है, जिस पर अब पूरे महाराष्ट्र में लड़ाई है। अजान बनाम जय हनुमान वाली जंग अब आर पार नजर आ रही है। सड़कों पर शिव सैनिक और एमएनएस कार्यकर्ता आमने सामने, दोनों ओर तीखे हमले भी जारी है। मुझे लगता था कि ओबीसी सिर्फ मुसलमानों में है और एमआईएम सिर्फ मुसलमानों में है, लेकिन एम का मतलब यहाँ कुछ और ही दिखता है। हिंदू समाज में भी कुछ ओबीसी निर्माण हुए हैं, एमआईएम निर्माण हुए हैं और वो महाराष्ट्र में इस प्रकार का धार्मिक विद्वेष फैलाकर बीजेपी को मदद करना चाहते हैं। सामना में संजय राउत ने राज ठाकरे को ओबीसी बताया तो एमएनएस कार्यकर्ताओं ने सामना दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाकर अपना तेवर दिखाया। संजय रावत के जो सामना प्रेस है वहां पहुंचे हैं ये लोग, पहुंचे थे कुछ देर पहले। ये सामना प्रेस है जहां पर संजय रावत बैठते हैं और उसके सामने ही जो है एक बोर्ड लगाया गया है बैनर, इसके लिए ये बैनर लगाया गया है और एक चेतावनी दी गई है। आप देखिए कि किस तरीके से एक ऊपर आप जो फोटो देख रहे हैं वो फोटो लगाया गया है, ये कुछ साल पहले का फोटो था जब राज ठाकरे के घर संजय रावत पहुंचे थे कुछ बातचीत करने और वहां पर कुछ विवाद हुआ था, कुछ बातचीत हुई थी और उसके बाद मनसे के कार्यकर्ताओं ने संजय रावत की गाड़ी को उलट दिया था। और नीचे यहां पर राज ठाकरे का फोटो है, उसके नीचे लिखा गया है कि क्या संजय रावत आप चाहते हैं कि जो चीज पहले हुई थी वो एक बार फिर हो। राज ठाकरे पर हमलों को लेकर संजय राउत पर वार किया, केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर राउत पर निशाना साध दिया। अभी संजय राउत साहब तो इतने डरे हुए हैं कि कभी नोटिस आएगा उनको मालूम नहीं है। उनकी 11 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है, यशवंत जाधव के 31 फ्लैट जब्त हुए, अभी ये लोग बौखला गए। राज ठाकरे साहब को बुलाया, उनकी इंक्वायरी कुछ नहीं निकला क्योंकि कुछ था ही नहीं तो निकलेगा क्या, लेकिन इन्होंने इतने सालों में इतना पैसा खाया है, अभी इसका हिसाब देने का वक्त है। राज ठाकरे पर शिवसेना के हमले का ये एमएनएस का जवाब है। हनुमान जयंती के मौके पर महाराष्ट्र में सियासत बेहिसाब है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ किया, शिवसेना को अपने अंदाज में जवाब दिया।
हनुमान जयंती है, ये एक ऐसे समय में हो रही है जबकि राज ठाकरे ने पहले ही 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया हुआ है कि अगर मस्जिदों से सरकार तमाम लाउडस्पीकर को नहीं हटाती है तो उसके बाद जो भी होगा उसके लिए राज ठाकरे और उसकी पार्टी जिम्मेदार नहीं होगी। और साथ ही साथ हमने देखा है कि किस तरीके से शिवसेना ने भारी यहां पर जो है हमला बोला है राज ठाकरे पर, कहा है कि जो अल्टीमेटम देने की बात है वो बिल्कुल गलत है। अजान की तान पर यूं घमासान छिड़ा कि बात सियासत तक आ गई है। रमजान के महीने में लाउड स्पीकर पर अजान पर राजनीति गर्मा गई है। राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर से होने वाली अजान के खिलाफ मोर्चा खोला, मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर हल्ला बोला तो बीजेपी ने इस अभियान को आगे बढ़ाया। बोर्ड का फैसला लागू न करने पर उद्धव सरकार पर सवाल उठाया। श्रीमान राज ठाकरे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के परिपालन के लिए सरकार से आग्रह कर रहे हैं। यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने जाएगी तो पीएफआई के लोग उसके हाथ काट देंगे या उस पर हमला कर देंगे। इस तरह की बात करना संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध द्रोह है और ऐसे द्रोहियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई महाराष्ट्र की सरकार ने करनी चाहिए। मुझे लगता है सरकार को इस बात पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि 2005 का सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है, मुंबई पुलिस एक्ट की क्या प्रोविजन है और उसको लागू करना ये सरकार का कर्तव्य है। अगर इतनी छोटी सी बात पे वो ध्यान दे तो बाकी कोई चीज बोलने की उनको जरूरत नहीं। बीजेपी नेता मोहित कंबोज मंदिर मंदिर लाउड स्पीकर पहुंचा रहे हैं, विवाद के शोर की गूंज गली गली तक ले जा रहे हैं। मेरा इंडिविजुअल प्रयास है, मेरा इंडिविजुअल वो है जो मैंने चालू किया था और उसको मैं आगे लेके जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, मेरे कैमरामैन भी दिखाएंगे, इतनी भारी संख्या में यहाँ पर पूरे पैक्स रखे हुए हैं। एक सवाल जो दिल में आ रहा है वो ये कि आपने कितना खर्चा कर दिया आखिर इसमें? ये भक्ति तो अपनी जगह ठीक है लेकिन बहुत खर्चा हो गया लगता है। नहीं नहीं, ऐसे खर्चे की बात नहीं, लोगों का सपोर्ट है। अपनी जो मेरी फाउंडेशन है, निजी फाउंडेशन है, उसमें लोगों ने सहयोग भी किया है और सहयोग के साथ जो अपना एक मेरा मित्र मंडल ग्रुप है, जो सब हम लोग साथ में दोस्त लोग हैं, वो सबके सहयोग से आगे बढ़ रहा है। उधर सत्ता में शामिल दल अजान बनाम जय हनुमान वाली लड़ाई पर सवाल उठा रही है, राज ठाकरे के अभियान पर सवाल उठा रही है। देखो, भोंगा बजाना है तो महंगाई के विरोध में बजाओ, भोंगा बजाना है तो बेरोजगारी के विरोध में बजाओ, किसान के लिए बजाओ, गरीब के लिए बजाओ, पर भोंगा धर्म के नाम से जो धर्म की ठेकेदारी करने के ऊपर लोग उतारू हुए हैं और धर्म का नाश करने की जो प्रथाएं जो शुरू हुई है वो गलत है। लेकिन आर पार की इस जंग के बीच अब धर्म युद्ध वाली ये लड़ाई और गर्मा गई है। अजान लाउड स्पीकर वाली लड़ाई सीनियर ठाकरे बनाम जूनियर ठाकरे पर आ गई है। एमएनएस ने अब सीधे गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर विवाद में दखल की मांग की है, मस्जिदों में लाउड स्पीकर फौरन हटाने की बात कही है। आज तक ब्यूरो।